सूरन का सब्जी कैसा बना? अच्छा लगा था? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, आज का मेहनत हमारा सफल हुआ। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं जिमीकंद यानी सूरन की सब्जी। गांव में सूरन जिसको बोला जाता है और शहरों में जिमीकंद कहा जाता है। इसका इंग्लिश का नाम ही है जिमीकंद। तो आज हम जिमीकंद का सब्जी बना रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी का रेणु मौर्य एम चैनल पर, आप सभी का। तो आप लोग जिमीकंद का सब्जी कैसे बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो बने रहिए। जिमीकंद को अभी हम छील रहे हैं काट के, और इसको बनाएंगे आज बहुत ही टेस्टी सब्जी। साथ में बनाएंगे चावल और पूड़ी। तो दोस्तों देखिए, जिमीकंद को हम पतला पतला सा काट रहे हैं, छील लिए हैं इसको। अब इसको पतला पतला काटेंगे, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, मीडियम साइज जैसे आलू काटा जाता है उसी तरह हम काटेंगे इनको। तो दोस्तों देखिए, जिमीकंद को हम काट लिए हैं। अब इनको धो कर दो तीन पानी पहले से धो लिए हैं, चौथा पानी धो रहे हैं। इसको हम निकाल लेते हैं, छान लेते हैं। और इसके बाद देखिए, हम प्याज जो है छील के धो रहे हैं। और इधर हम मसाला रेडी करेंगे। सबसे पहले लहसुन इतना डालेंगे, दो तीन अड़ी छील के रखे हुए हैं। और इसमें साबुत धनिया डालेंगे मसाला पीसने के लिए। और इसमें देखिए गरम मसाला साबुत है, इसमें सब कुछ है, गरम मसाला में जो भी आता है सब कुछ है इसमें, सब हम डाल रहे हैं पीसने के लिए। आप जब दुकान पे जाएंगे ना साबुत गरम मसाला लेने के लिए, तो आपको बोलना है हमें गरम मसाला चाहिए, सब कुछ मिक्स करके दे देगा। तो हम प्याज को काट लेते हैं तड़के के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों में भी काटेंगे। अभी तो इसको बड़े बड़े टुकड़ों में कर रहे हैं क्योंकि आँख थोड़ा मेरा ख़राब है, आँख में ज़्यादा लग रहा है। तो इतना सारा हम मिर्चा डाल देते हैं इसमें। मसाला पीसना है, सिलबट्टे पे पीस कर बनाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो मसाला साला पीस के रेडी कर लिए। इधर हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं गरम होने के लिए। अब गरम भी हो गया है, इसमें अब हम तेल डालते हैं हेल्थ गार्ड, और हम सूरन को तलेंगे इसमें, इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद बहुत ही अच्छा इसका स्वाद आता है। अगर आप फ्राई करके बनाते हैं इसकी सब्जी बहुत ही सुंदर बनती है। तो आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों देखिए, हम सूरन को तल लिए हैं, फ्राई कर लिए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद फिर इसमें हम भूजेंगे मसाला वगैरह जो भी भूजना है। तो आप लोग बने रहिए, आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा मेरा वीडियो। और हम इसमें अब डालेंगे सबसे पहले मेथी, उसके बाद हम डालेंगे हींग। हींग से अपना पाचन सब ठीक रहता है, मेथी से स्वाद भी बहुत अच्छा है, तो काफ़ी सारे फायदे भी है मेथी से। तो इसमें प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में जो काटे थे उसको हम डाल देते हैं। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे प्याज को, ये जब गोल्डन कलर का हो जाएगा तो इसमें हम जो सारे मसाले इकट्ठे करके बना के रखे हैं पीस के, उसको हम डालेंगे। तो ये देखिए मसाला हमने पीसा हुआ था, इसमें थोड़ा सा हम सब्जी मसाला डाल देते हैं। और ये देखिए हल्दी पाउडर डाल देते हैं, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और अलग से, ताकि इसका स्वाद बढ़ जाए। और इधर देखिए प्याज गोल्डन कलर का हो चुका है, अब इसमें मसाले को डालेंगे और मसाले को अच्छी तरह से भुनेंगे। तब तक भुनेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ने लग जाए। और इसमें हम गरम मसाला डाल दिए हैं। तो बने रहिए, आगे आपको दिखेगा कैसा मेरा सब्जी, तो कमेंट में ज़रूर बताना। दिखने से तो नहीं, खाने में पता लगता है। और इसमें जो कटोरी में मसाला लगा हुआ था उसको खंगार के पानी को हम डाल दिए हैं, और मसाले को हम पकाएंगे। पकाने के बाद इसमें देखिए अब सूरन को डालेंगे, इसको अच्छे से चलाएंगे जब तक ये लपेट ना ले। और इसको थोड़ी देर के लिए अब हम ढक देते हैं, कम से कम 5 मिनट के लिए, क्योंकि मसाला और सूरन दोनों एक में
सिमट जाए और मसाला हमारा थोड़ा और पक जाए। तो बने रहिए दोस्तों, देखिए 5 मिनट बाद इसका नज़ारा कैसा है। मसाला तो सिमट लिया है और पक भी गया है मसाला। अब इसमें हम डालेंगे पानी सब्जी को पकने के लिए। पानी उतना ही डालेंगे जितने में सब्जी हमारा पक जाए। सूरन को हम बड़े बड़े टुकड़ों में काटे हैं, थोड़ा पकने में टाइम लगेगा, कम से कम 15 से 20 मिनट तक। और स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डाल देते हैं और इसको हम ढक देते हैं चला के थोड़ा सा। और उसके बाद हम दिखाते हैं आपको 20 मिनट बाद सब्जी हमारी कैसी बनती है। तो चलिए दोस्तों, 20 मिनट के बाद हम सब्जी को खोलते हैं, देखते हैं कैसा है। सब्जी हमारा पक चुका है। अब इसको हम गैस को बंद करते हैं और कढ़ाई को ढक देते हैं। और उसके बाद हमें बनाना है पूड़ी। इधर आटा सान के रखे हुए हैं और इधर कढ़ाई रख देते हैं गर्म होने के लिए। तब तक का आप लोग बने रहिए। सब्जी तो हमारी बन चुकी है, अब इसको हम बंद करते हैं गैस को। अब चलते हैं पूड़ी के लिए। तो तेल गर्म किए, इसमें पूड़ी डालते हैं और देखिए कितना बढ़िया आज बनेगा पूड़ी और सब्जी। और देखिए पूड़ी फुलाने का मेरा तरीका कुछ ऐसा है। और हम पूड़ी बना रहे हैं तो हेल्थ गार्ड में इसमें नरम नरम सी पूड़ी होती है, बहुत ही अच्छी होती है, इसमें कड़ी नहीं होती है। ऐसा तेल है ना, इसमें आप पूड़ी भी बना सकते हो, सब्जी भी बना सकते हो, हलवा भी बना सकते हो, सारी मिठाइयाँ भी बना सकते हो। बहुत ही बढ़िया तेल है ये और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो आप लोग कौन सा तेल यूज करते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। हम तो राइस ब्रान हेल्थ गार्ड चावल का तेल यूज करते हैं। आप लोग कौन सा तेल यूज करते हैं कमेंट। सूरन का सब्जी कैसा बनेला? अच्छा लगा था? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। काव जिमी कन, आज का मेहनत हमारा सफल हुआ। बड़ा मेहनत से पूरी सब्जी बनो ले रही हम। बहुत अच्छा मसाला इन्होंने डाला है, बहुत बढ़िया बनाया, टेस्ट भी देखा। इधर खा रहे हैं थरिया में, अब कढ़ाइयों लग बैठा लूँगा इसमें है। खाइले में कैसा लगा था?